इस वक्त हम देवनार मंडी के अंदर मौजूद है। मुंबई की सबसे बड़ी बकरों की मंडी मानी जाती है। बकरी जो है अनकरीब है, तकरीबन देवनार की बात करें तो 40,000 से ज्यादा जो बकरे हैं वो अब तक आ चुके हैं। यहाँ पर तमाम व्यापारी अपने बकरों की एंट्री करा के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दूं मैं, हिंदुस्तान के तमाम इलाकों से, चाहे अलवर हो, राजस्थान हो, अजमेर हो, गुजरात हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कश्मीर हो, कर्नाटका हो, तमाम जगहों से जो है वो बकरे वो यहाँ पर लेके आए जाते हैं। और बकरे की सबसे बड़ी मंडी यही लगती है देवनार के अंदर, और तकरीबन लाखों की तादाद में बकरे यहाँ पर उतरते हैं। अगर बात करें 17 तारीख को या 18 तारीख को जो है बकरीद की कुर्बानी है, और यहाँ पर तमाम तरीके की जो तैयारी है वो कर ली गई है, और बीएमसी की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हुए हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, सुरक्षा को लेकर 500 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी बकरी मंडी के अंदर रौनक नज़र आ रही है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि साल काफ़ी ज़्यादा गर्मी नज़र आ रही है और यहाँ पर बकरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बीएमसी की तरफ से पूरी तैयारी है। मेरा नाम रईस है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, गोंडी में रहता हूँ। 40 बकरे लाया था मैं, तो जैसा किधर खरीदा भी हूँ, पाला भी हूँ, और वो सेल करता हूँ मैं। आम दिनों में आप क्या काम? आम दिनों में जॉब करता हूँ, तो कैसा एक आस रहती है कि बकरीद में चलो दो पैसा मिल जाएगा तो अपने घर की मतलब हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, इसके लिए बकरा भी बेचते हैं। कहाँ कहाँ से आप बकरे लाते हैं? पड़गा हो गया, भिवंडी, कल्याण, ऐसा जमा करता हूँ और लेके आता हूँ। गर्मी बहुत है आपकी? हाँ, गर्मी बहुत है, हालत खराब बकरे बहुत बीमार पड़ रहे, गर्मियों से हाँप रहे, और मतलब कैसा है बाहर से आते तो ठंडे मौसम से आते, ऐसा पड़गा वगैरह में हरियाली है, अब यहाँ पे कड़क धूप है, तो इसमें इंसान की हालत, जानवर की हालत दोनों की ख़राब हो रही है। और दूसरी, ये लोग इंतजाम तो यहाँ पे बहुत हर साल अच्छा करने का सोचते हैं, मगर बारिश वगैरह में, रात में बारिश आई ना तो पूरा पानी अंदर आ गया, पूरे बकरे भीग गए, जिससे बकरे सर्दी लग जाती, बीमार पड़ जाते, PPR में पड़ जाते, तो बहुत तकलीफ जाती व्यापारी के लिए। अगर एक भी बकरा अगर कुछ हो जाता है तो पूरा मतलब जो अपनी बचत है वो पूरी चली जाती है। इलियास मेरा नाम है, हरियाणा से आया। कितने बकरे लाए आप? 75। गर्मी का असर है? हाँ, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी से दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। बस दिक्कत क्या है, मगर रास्ता में तो दिक्कत आती ही है भाई। हाँ, गाड़ी घोड़ा में तो दिक्कत आ गई है, गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। अभी बोली भी के नहीं, भी शुरुआत भी के नहीं आती? ना, अभी ना हुई। अच्छा, कोई सहूलत ना है, अभी शुरुआत हुई ना। अलवर से आया जी हम। कितने जानवर लाए? हमारे जी 79। मुंबई में गर्मी बहुत है? हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है जी, जानवर परेशान है जी। आप हर साल आते हैं? हर साल आते हैं जी। पिछले साल ऐसे लेकर आए 80-90 बकरे। मुंबई की गर्मी की वजह से क्या लगता है इस बार मंडी जो है कैसे रहेगी? देखो जी, तो किस्मत है जी, अच्छी रहेगी जी। मेरे पास एक ही बकरा, मेरा नाम वसीम शेख है। कहाँ से आए आप? घाट के ऊपर नारायण नगर, गेवन शाह दरगाह जी। हाँ, प्रोसेस है वो सारा पूरा किया जी। हाँ जी हाँ, ये पावती लगती है अंदर एंट्री के लिए। ये पावती के बिना बकरा अंदर एंट्री नहीं कर सकता और बाहर भी नहीं कर सकता। ये पावती दी जाती है, इसके पावती के बिना कुछ काम ही नहीं होएगा। कितना पैसा भरे आपने पावती का? एक पावती का कैसा है, 180-170 जो मिलता है, मतलब वो देना पड़ता है अपने को, जो पावती का रेट है। तो आपने सिर्फ एक ही बकरा लाया क्या, शौक में लाया है बेचने के लिए? नहीं नहीं, आदमी का कुछ तकलीफ भी रहता है, ऐसा नहीं कि शौक रहता है कि आदमी, कुछ मजबूरी रहता आदमी बेचने तभी आता, नहीं तो किसी बचपन से छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे से आपने? हाँ, 2 महीने का बच्चा था। हाँ, लक्ष्मण। कहाँ से आए हैं? राजस्थान। कितने बकरे लाए? बकरी लाया 101। आज पहला दिन है आपका? आपका पहला दिन है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर बकरा मंडी के अंदर तमाम बकरे जो है वो बिक पाते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी है काफ़ी उम्मीदों के साथ मुंबई पहुँचे हैं। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।